नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाउत। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस की मामला, यानी कि धारा 138 कब लागू होती है, कब लागू नहीं होती है और धारा 138 आखिर है क्या। यानी आपने किसी भी व्यक्ति को चेक दे रखा है या आपने किसी व्यक्ति को चेक दे के पैसा लिया है या आपसे कोई चेक दे के पैसा ले गया है तो आप 138 का मुकदमा करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको समझना है कि 138 का मुकदमा क्या है। या फिर आपका कोई कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है तो आपको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में वो बातें बताऊंगे कौन सी परिस्थिति में चेक का मुकदमा टेक्निकली खारिज होता है, कौन सी परिस्थिति में टेक्निकली खारिज नहीं होता है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं 138 की धारा क्या है। देखो, समझने के लिए सबसे पहले अपन एक अच्छा सा उदाहरण लेते हैं। ए कौन है? पैसा देने वाला। देने वाला कौन है? सेठ जी होगी, ठीक है। और बी कौन है? एक मजबूर व्यक्ति, ठीक है, जिसको पैसे की जरूरत है। तो ए ने बी से पैसा लिया और बी ने क्या दिया? चेक। और इसने लिया क्या? पैसा, ठीक है। मोटा मोटा देसी भाषा में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि वास्तव में कानून क्या है, क्या है मेरे मुकदमे में लागू है या नहीं, ठीक है ना। तो कब ये सेठ जी ए बी पर मुकदमा कर सकते हैं? सबसे पहली परिस्थिति थी ये कि ए जो बी के विरुद्ध चेक का मुकदमा तभी कर सकेगा जो चेक में तारीख लिखी है उस तारीख से 3 माह के अंदर ही उस चेक को बैंक में पेश करना होगा। अब इसमें सबसे बड़ी जो जानकारी आपको जो आपके दिमाग में बैठनी चाहिए वो ये है कि आपने किसी व्यक्ति से पैसा लिया, 2 साल पहले लिया, 3 साल पहले पैसा पहले लिया, मगर चेक दिया वो खाली चेक दिया था, उस पर तारीख नहीं भरी थी और उस व्यक्ति ने बाद में तारीख भरी। तो पहले आप जब पैसा लिया वो तारीख आपकी मान्य नहीं होगी। कब होगी? जब तारीख भरी, यानी जब तारीख भरी उसे 3 माह के अंदर अंदर उसे बैंक में ए को ये चेक पेश करना है, ठीक है ना। अब उसने गलत भर दिए, खाली चेक का दुरुपयोग किया, उसके विरुद्ध क्या मुकदमा करना है, कैसे आपको बचना है, उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, देख रहे हैं। यहाँ पर अपने समझ रहे हैं 138 यानी कि 3 माह में ही वो चेक तारीख लिखने के बाद 3 माह तक ही 138 का मुकदमा हो सकता है। दूसरी परिस्थिति, अब क्या किया ए ने? बैंक में पेश कर दिया और बैंक से वो चेक रिटर्न हो गया। क्यों हो गया? बी के पैसा नहीं था, ए ने डाला, बी को पैसा नहीं था बी के खाते में, एक वो चेक भी मिल गया और साथ में कागज मिल जाता, रिटर्न मेमो बोल दो उसको, ये मिल गया। तो जैसे रिटर्न मेमो मिला उससे 1 माह यानी 30 दिन गिन लो, कोई महीना 31 दिन के होता है तो ये इसमें 30 दिन ही दे रहे हैं। 30 दिन में नोटिस देना जरूरी है किसको? ए को, बी को, जो रिटर्न हुआ है उस रिटर्न से 30 दिन। अब यहां पर बात एक समझने की बात है, कानून बहुत ही बारीक होता है, कानून में की जो लड़ाई लड़ी जाती है वो परिभाषा में लिखे हुए एक एक शब्द पर लड़ी जाती है और एक एक शब्द के आधार पर चेक का मुकदमा खारिज हो जाता है और एक एक शब्द के आधार पर चेक का मुकदमा बच जाता है। तो रिटर्न में क्या लिखा है कि जब ए को सूचना हुई उससे 30 दिन के अंदर, जैसे कि समझो इस बात, ये ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा चेक के मुकदमे टेक्निकली खारिज करा देती है, इसको जान समझिए। जैसे कि मान लो एक 10/2023 को ये बैंक से रिटर्न हुआ, यानी रिटर्न पे तारीख क्या लिखी है? 1/10/2023। और मुझे जैसे मान लो ये एन चेक डाला या मैंने डाला और मुझे इसकी सूचना बैंक ने कब दी? 5/10/2023। तो 30 दिन कौन से गिने जाएंगे? जब मुझे सूचना मिली, यानी कि ए को सूचना बैंक से मिली। अब इसमें क्या होता है, ये बहुत ही टेक्निकल बात है, इसको समझिए आप। जैसे ए का बैंक है, कोई भी बैंक का नाम ले लेता हूं, ए का बैंक है ICICI बैंक, ठीक है, और बी का बैंक है बड़ौदा बैंक, उदाहरण के लिए समझ रहे हैं, ठीक है। अब बड़ौदा बैंक ने तो कब रिटर्न कर दिया? 1/10/2023।
मुझे मेरे बैंक जो आईसीआईसी बैंक है उसे 5/10/2023 यानी 5 दिन का फर्क है, तो मेरे लिए 30 दिन कौन से होंगे जब मुझे सूचना मिली। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बड़ौदा बैंक का तो आपको रिटर्न मेमो मिल रहा है, मगर आईसीआईसी बैंक वाला भी आपको चेक प्राप्ति का एक ज्ञापन करके एक लेटर देता है कि हमने आपको इस तारीख को सूचना दी। यानी कि जब भी आप इसमें ध्यान रखना, जब भी आप चेक लेने जाएं आपको लगता है कि 30 दिन हो गए, कभी कभी तो 25 दिन बाद भी देते हैं या कभी कभी तो महीना भर बाद दे देते हैं, बैंक वाले इतने लापरवाह होते। तो उसमें क्या करना है आपको देखना है कि आपको कब सूचना मिली है, कि आपको बाद जिस दिन रिटर्न हुआ उस दिन नहीं मिली और बाद में मिली, आप बैंक वाले को बोलिए मुझे चेक आपसे ज्ञापन दे। उससे क्या होगा कि आपके चेक की मियाद उस दिन से गिरी जाएगी जिस दिन आपको सूचना मिली। यानी क्या समझ में आ गया ना आपको, 30 दिन कब है जब आपको सूचना मिली बैंक से रिटर्न होने की सूचना आपको मिली, तो उससे 30 दिन के अंदर। अब क्या हुआ, जैसे 30 दिन के अंदर मेरे को सूचना मिल गई, रिटर्न हो गया 30 दिन के अंदर सूचना होगी। अब 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना है मुझे, नोटिस। यानी बैंक से जो सूचना मिली उसे 30 दिन के अंदर अंदर मुझे बी को नोटिस देना है। अब बी को नोटिस देना है ना, तो बी को नोटिस कौन सी तारीख से गिना जाएगा, ये तारीख 5/10/2023। भले 1/10 को हुआ और 5/10 को मुझे सूचना मिली उससे 30 दिन के अंदर अंदर मुझे नोटिस देना है। अब मैंने 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस दे दिया, तो नोटिस देने के बाद 15 दिन तक मैं चेक का मुकदमा नहीं कर सकता। यह विशेष ध्यान है ना, 15 दिन मतलब नोटिस मिलने के बाद 15 दिन तक मैं चेक का मुकदमा नहीं कर सकता। यानी कि बी को, ए को इंतजार करना पड़ेगा कि बी 15 दिन में पैसा दे दे। अब ये 15 दिन भी आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि जो रेगुलर चेक के मुकदमे नहीं लड़ते हैं उनके रेगुलर काम नहीं पड़ता है, तो वो क्या है कि गणित सीधी अलग ही बिठा लेते हैं और मामला फिर गड़बड़ हो जाता पूरा। 15 दिन कब, जब बी को सूचना हुई। जैसे मैंने था ए नोटिस 5/10/2023 को बी को दिया, बी को सूचना कब हुई, 10/10/2023। तो 15 दिन कब से गिने जाएंगे, जब से ये बी के पास लेटर पहुंचा। यानी कि इससे 15 दिन, यानी कि 25/10/2023, यानी कि मैं आप मुकदमा कब कर सकता हूं, 26 से, 26/10/2023 से ही मुकदमा कर सकता। तो इसमें यह तारीख नहीं गिनी जाएगी, अगर आपने यह तारीख गिनकर मुकदमा कर दिया, यह तारीख 5 गिनी तो सीधा आपके 5 तारीख गिनी तो आपके कितने 25 तारीख आ गया, इसमें आपके कितने 10 तारीख गिनी तो 15 दिन, 25 तारीख और 5 गिनी तो 20 तारीख आ गया। जैसे आपने 20 तारीख मुकदमा कर दिया, आपका मुकदमा अपरिपूर्ण के कारण खारिज हो जाए, यानी कि इसको सूचना मिले। अब कई बार होता है कि सर सूचना मिलेगा, सामने वाला रह रहा है या उसने लेटर ही नहीं लिया, उसको पता ही चला, उसका आपने कोई माथापड़ी वाला काम नहीं। डाक विभाग से जो आप रजिस्टर आईडी कराते हो, उस रजिस्टर आईडी की जो आपको ट्रैक निकलवानी है, उस ट्रैक पे लिखा हुआ है लेने से मना, या ये आ गया कि वापस रिटर्न, या घर पे कोई नहीं, जो भी कारण हुआ, जब उसके घर पे पहुंचा उससे 15 दिन। तो जरूरी नहीं वो लेटर ले या नहीं ले, मतलब आपके उसके घर पे सूचना जो लास्ट एड्रेस आपको पता था जब आपसे उन्होंने पैसे लेकर चेक दिया था, उस एड्रेस पे भेज दो, ये हो गया 15 दिन। अब एक बात और समझो कि वकील साहब क्या उलझा रहे हो गणित में, भाई देखो चेक का मामला है पूरा गणित वाला ही मामला है, अगर आपको पूरी गणित नहीं आएगी तो चेक के मुकदमे फिर खारिज हो जाएंगे। अब 15 दिन सूचना हो गई, उससे 1 माह के अंदर अंदर ही मैं कोर्ट में परिवाद कर सकता हूँ, यानी कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकता हूँ, उसके बाद नहीं। यानी कि जैसे कि मान लो ये 5/10/2023 को रिटर्न हुआ, फिर मैंने क्या किया, उसी दिन मान लो नोटिस दे दिया 10/10/2023 को उसके पास सूचना पहुंच गई, तो 10/10/23 से लगाकर 9/11/2023, यानी इस समय के अंदर अंदर ही मैं कोर्ट में मुकदमा कर सकता हूँ। इस समय जैसे ही मैंने 10 तारीख या 11 तारीख या 12 तारीख बाद में मुकदमा किया तो मेरा चेक का मुकदमा खारिज हो जाएगा, यानी 1 माह के अंदर अंदर ही मुझे मुकदमा करना है। शुरू से मैं शॉर्ट में बता देता हूँ वापस,
इसको अब इसको क्या कई लोग क्या करते हैं 45 दिन मान लेते हैं कि चेक रिटर्न हो गया उससे 45 दिन बाद 30 दिन तो ये हो गया नोटिस कभी भी 30 दिन के अंदर भेजो और फिर 15 दिन ये हो गए 45 दिन के अंदर अंदर आपको 45 दिन बाद आप मुकदमा कर सकते हो तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि ये 30 दिन कब है जब बैंक से आपको सूचना हुई उस दिन तो उसमें 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं फिर ये 15 दिन कब है जब उसको सूचना हुई ऐसा थोड़ी कि आपने लेटर भेजा उसी दिन उसको सूचना हो जाएगी एक दिन में लेटर भेज पहुंच जाएगा ये 45 वाला आंकड़ा सही नहीं जो कहते हैं वो गलत कहते हैं बिल्कुल ही गलत कहते हैं यानी कि उसको सूचना होने के बाद एक माह में इधर एक माह दिया 30 दिन नहीं दिए ठीक है एक माह भले आप 21 दिन लगाओ तो कुछ चल रहा होगा ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है अब शॉर्ट में वापस समझ लीजिए यानी कि ए ने जो बी के मुकदमा दिया उसके पास जो चेक पड़ा है उस चेक को 3 माह में उसको पेश करना पड़ेगा पहली बात दूसरा 3 माह के अंदर अंदर उसने पेश कर दिया है तो चेक रिटर्न होने के 30 दिन के अंदर अंदर ही उसको नोटिस देना पड़ेगा अब रिटर्न हुआ उससे जो उसको सूचना है उसके 30 दिन के अंदर तीसरी बात रिटर्न होने के 30 दिन के अंदर अंदर वो सूचना दे रहा नोटिस दे रहा बोले तो रिटर्न होने के दूसरे दिन ही दे तीसरे दिन या लास्ट तीसरे दिन ही दे जिस दिन वो सूचना दे रहा है उससे 15 दिन तक वो मुकदमा नहीं कर पाएगा उससे कौन नहीं नोटिस मिला सामने वाले को या रिटर्न हुआ उससे सामने वाले को सूचना उससे 15 दिन तक वो मुकदमा नहीं कर पाएगा फिर जैसे ही उसको मिल गया है उसके घर पे पहुंच गया है उसने लेने से मना कर दिया या सूचना जैसे उसको हो गई है या नहीं भी हुई है तो भी उसके घर पे पहुंच गया है उससे बाद एक माह में आप कोर्ट का मुकदमा मतलब आपका मुकदमा कोर्ट में पेश कर सकते हो यानी ये गणित रखना जरूरी। अब क्या करते हैं जो होशियार वकील होते हैं वो क्या दिमाग लगाते हैं जनरली 3 माह के बाद भी किसी व्यक्ति ने चेक का मुकदमा पेश कर दिया ठीक है 4 माह के बाद पेश कर दिया और उसने बैंक वाले लिख दिया कि भाई आपका रिटर्न कर दिया रिटर्न किस कारण से किया कि मियाद बाहर है पहली बात तो बैंक से लेंगे नहीं ले लिया मियाद बाहर उसके आधार पर किसी ने मुकदमा कर दिया तो ये मुकदमा यही खारिज फिर मान लो रिटर्न हुआ उसके 30 दिन के अंदर नोटिस नहीं दिया यानी जैसे कि रिटर्न हुआ 1/10/2023 और आपको उसी दिन रिटर्न की सूचना मिल गई और आपने 1/11/2023 यानी कि इस तारीख के मध्य नोटिस नहीं दिया और आपने कब दिया 5/11/2023 तो भी आपका चेक का मुकदमा खारिज फिर 15 दिन जैसे कि मान लो उस व्यक्ति को नोटिस की सूचना हो गई 10/15/2023 की तारीख में अंदाज से लिख रहा हूं तो उससे 15 दिन यानी 25/11/2023 ठीक है इसके मध्य ही मुझे चेक का मुकदमा करना इसके बाद ही मुझे चेक का मुकदमा यानी इसके पहले मैंने मुकदमा कर दिया यानी अपरिपक्व मुकदमा यानी मैंने नोटिस मिल उससे मिला या उसके सूचने उसे 12 दिन में मुकदमा कर दिया तो मेरा चेक का मुकदमा खारिज और जिस दिन मिला उससे 1 माह के अंदर मैंने मुकदमा नहीं किया एक माह के बाद किया सूचना होने के बाद तो भी चेक का मुकदमा समझ में आई बात 3 माह में पेश करना है रिटर्न की जो सूचना आपको होती है उसे 1 माह के अंदर अंदर ही नोटिस देना है यानी 1 महीने का सूचना दिया रिटर्न होते ही आपको नोटिस नहीं देना रिटर्न होने के बाद 10 दिन आपके पास पड़ा रहे दो बाद में नोटिस दो 20 दिन बाद दो भले रिटर्न होते दे दो जिस दिन आप दे रहे हो 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस देना है फिर जब आपको नोटिस दिया और जब उसको नोटिस मिला उसके 15 दिन तक आपको मुकदमा नहीं कर सकते आप और 15 दिन के बाद जब मिल गया उससे 1 महीना बाद आप कभी भी मुकदमा कर सकते हो यानी कि यह गणित आपको पूरी समझ में आ जानी चाहिए इससे क्या होगा कि आपका जो चेक का मुकदमा है वाजिब चलेगा अगर मान लो आपने कोई मुकदमा कर रखा है आपने किसी व्यक्ति पर मुकदमा कर रखा है और आपका कोई टेक्निकली आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे नंबर देख रहे हैं इस पर क्या करो आपकी जो मुकदमे की फाइल है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो तो मैं मेरी तरफ से जो भी मुझे सलाह होगी कि भाई टेक्निकली मुकदमा खारिज होने योग्य है या नहीं है खारिज होने योग्य होगा तो मैं आपको बता दूंगा खारिज हो सकता है या खारिज होने योग्य है ऐसा नहीं है कि बाद में आपको पछताना पड़े इसलिए आप पहले से ही उस बात का ध्यान रख लो ज्यादातर एडवोकेट रखते हैं मगर कई बार एडवोकेट से भी चूक हो जाती है तो मामला वहीं पर गड़बड़ा जाता है एक दूसरी बात मैं आपको और बताता हूं जो सबसे ज्यादा मुझे कॉल करके आप लोग ही पूछते रहते हो कि सर इसमें क्या करें क्या चेक का मुकदमा केवल पैसे देने से ही नहीं बनता है ये क्या बात कर रहे हो सर आप जैसे कि ए ने बी को 50,000 रुपये दिए और बी ने चेक दिया और रिटर्न हो गया एक तो हो गया
पैसे का। दूसरा, बी ने ए के यहां काम किया, एक महीने किया, दो महीने किया, और ए ने बी को चेक दिया और चेक रिटर्न हो गया, तो भी यानी कि कोई भी काम किया उसके बदले चेक दिया रिटर्न हो गया, तो भी चेक का मुकदमा बनता है। दूसरी परिस्थिति, पहली परिस्थिति ये होगी, दूसरी परिस्थिति ये होगी। अब तीसरी परिस्थिति की बात करते हैं। बी ने ऐसे कोई सामान लिया और चेक दिया बदले में, और चेक रिटर्न हो गया, यानी कि किसी सामान को, तो भी चेक का मुकदमा बनता है। मगर बाद में अगर आप लिखते हो 138 के मुकदमे जब पेश करते हो मैंने काम किया, तो आपको यह साबित करना पड़ेगा कि मैंने आप यहां आप उस व्यक्ति की एक यहां पे काम किया था या सामान लिया, तो आपके यहां से सामान ले गया है, तो ए को साबित करना पड़ेगा कि बी उसके यहां से सामान लेकर गया था, यानी कि बिल पेश करना पड़ेगा। ये दूसरा, तीसरा एक और होता है कभी कभी, वो बहुत कम होता है, उसको चौथा मान लें आप। जैसे कि ए ने बी को पैसा दिया, ठीक है, और सी ने कहा कि यार तुम बी को तंग मत कर, परेशान मत कर, मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। मैंने पैसा नहीं लिया, पर बी के पैसे की जिम्मेदारी मेरी और मेरा ये चेक रखा, तो क्या ए बी पे मुकदमा कर सकता है? तो उसका उत्तर होता है, इंग्लिश में कम आती है मुझे फिर भी, यस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा प्लस दायित्व, यानी एक तो पैसा हो गया, चेक का मुकदमा कब होगा, एक तो पैसे की लेन देन बाकी है और आपने चेक दिया, या उस चेक देने के प्रति आपने कोई दायित्व लिया, वो दायित्व क्या था? बोले तो आपके काम के बदले पैसा देना था, बोले सामान के बदले पैसा देना था, ठीक है, या पहले ही आपने कोई अन्य व्यक्ति ने पैसा लिया और आपने जिम्मेदारी ली, यानी आपने दायित्व लिया उसके बदले चेक दिया, तो भी आपको पैसा देना पड़ेगा। मगर दायित्व को साबित फिर ए को करना पड़ेगा कि भाई इसने इस पेटे लिया था, मुझे मेरे पास इसका सबूत है। ये थोड़ा कठिन है, मगर आपके पास साबित होने के लिए अच्छी लिखा पड़ी है या पक्के सबूत है तो ही आप दायित्व के अंदर जाए, नहीं तो चेक के मुकदमे खारिज। तो इस बारे में भी आपको कोई दिक्कत है तो मुझे इस नंबर पर फोन आप कर सकते हो। यानी कि उस दायित्व का मतलब क्या हुआ, उस दायित्व चेक क्यों दिया, कि आप दायित्व से उन्मोचित होना चाहते हो, ठीक है, उन्मोचित होना मतलब बहुत जरूरी है। जैसे पैसा लिया और पैसे के बदले आपने चेक दिया, क्यों, क्योंकि जो दायित्व था उसे उन्मोचित हो रहे हो, पैसे से भी उन्मोचित हो रहे हो, तो आप, और मान लो अब फिर आप नहीं दे पाए तो इसमें सजा क्या है, कुछ चेक लिया जो दायित्व जो परिस्थिति बताई, तो इसमें क्या है, 2 साल तक की सजा प्लस जुर्माना जो चेक अमाउंट का दुगुना, या तो कोर्ट ये कर सकती है, या सजा को कम भी कर सकती है और जुर्माना को कम भी कर सकती है। दूसरी, तीसरी बात, सजा 2 साल रख सकती है और जुर्माना चेक अमाउंट से कम ज्यादा कर सकती है, यानी कि मैक्सिमम है जो 2 साल और जुर्माना चेक की अमाउंट का दोगुना, और इसे कम भी किया जा सकता है। अच्छा, इसकी मैं एक बात और बता दूंगा, चेक का आपका बाउंस हो गया, देखो तो जिन लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं होती है उनको मैं बता देता हूं, चेक बाउंस हो गया तो आप उसकी थाने में रिपोर्ट दोगे, उससे 138 का मुकदमा यानी एक का नहीं बनता है, तो किसका बन, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में परिवाद, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसके लिए आपको कोर्ट में परिवाद करना ही पड़ेगा, एक महीने के अंदर आपको परिवाद करना पड़ेगा। आप चेक बाउंस हो गया, थाने रिपोर्ट दी और आप बैठे हुए और कोर्ट में परिवाद नहीं किया, तो आपका वो एक महीने में मैयाद निकल जाएगी और चेक आपका खारिज हो जाएगा, तो इसलिए आपको कोर्ट में परिवाद करना। अच्छा, इसकी एक बात और, इसकी जो धारा है 143 वो ये कहती है कि 6 माह में ही कोर्ट को निर्णय देना चाहिए, ये देना चाहिए लिखा है ना, देना पड़ेगा नहीं लिखा, जनरली 6 महीने में निर्णय होते नहीं है, साल 2 साल लग जाते हैं, और
वकील साहब हमारा तो बहुत लंबा समय लगता है, 5 साल से नहीं आ रहा मुलजिम, मुलजिम नहीं आ रहा है, मुलजिम के आने की बात की समय करो, कोर्ट में मुलजिम ही नहीं मिल रहा है, तो मुलजिम नहीं मिल रहा है उसको, मुलजिम को कैसे ढूंढ के लाना है, कैसे पकड़ना है, उस पर भी मैंने वीडियो बता रखा है, बना रखा है, और वीडियो गायब हो, मुलजिम गायब हो गया तो भी उसे कैसे वसूल लेना है ये भी मैंने बना रखा है। यानी चेक के जो आपके कोई भी मुकदमा चल रहा है और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो पुनः मैं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार के पास, वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।